तो दोस्तों मैं गया जंक्शन पे अभी हूँ और हमारी गाड़ी अभी ही यहाँ से खुली है, या अभी हमारी गाड़ी आप पीछे देख सकते हैं रुकी हुई है। तो यहाँ से हम लोग बहुत सारे चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे विष्णुपद मंदिर, तो स्टेशन परिसर से बाहर निकल के वहाँ चलते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा सामने हमारा गया जंक्शन, जहाँ हम अभी पहुँच चुके हैं और यहाँ से दोस्तों हम लोग चलने वाले हैं विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर के पास हम लोग जाने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि पिंडदान कैसे होता है और वहाँ पे रबर डैम किस तरीका का बना है और सीता कुंड कहाँ पे है, सीता जी का कहाँ पे, सीता जी ने नदी को शराब वगैरह दिया था, बहुत सारा हिस्ट्री जानेंगे। तो अपनी जर्नी यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं आप कि आप जैसे ही गया स्टेशन के परिसर से बाहर आएंगे, स्टेशन के एरिया में आप आएंगे, तो आपको हर एक तरफ ये कुछ प्रचार वगैरह मिल जाएगा, जो कि लोग हेल्प कर रहे हैं लोगों का। वो ये है कि यहाँ पे जो पितृपक्ष मेला जो लगा हुआ है, पितृपक्ष मेला, उसी के लिए लोग यहाँ पे शिविर लगा लगा करके लोगों का हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। ऑटो वगैरह लेने के लिए हम लोग वहाँ पे बाहर जाएंगे, स्टेशन से सामने बिल्कुल गेट आप देख रहे हैं, गेट के पास हम लोगों को विष्णुपद और वगैरह वगैरह के लिए हर एक जगह के लिए ऑटो मिलेगा। तो ऑटो या हवा हवाई जो भी कहता है टोटो, उसे हम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं अभी टोटो में बैठा हूँ और स्टेशन से यहाँ से विष्णुपद जाने का किराया 30 रुपया, 30 रुपया मान के चले, 30 रुपया ही इन्होंने बताया है। और आगे हम लोग चलते हैं और चांद चौक भी विष्णुपद से पहले आता है, तो आपको मैं ये कुछ रास्ता दिखाते चलता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद आलम है। अच्छा, तो यहाँ से विष्णुपद जो है वहाँ जाने का किराया क्या है? पहले तो मेला जब नहीं रहता था तो 30 रुपया। अच्छा, 30 रुपया मेला के लेकर ट्रैफिक पुलिस वाले ने वन वे कर दिया ना, हाँ, इसी की वजह से 30 रुपये किराया। ओके ओके, तो यानी कि हमारा किराया 20 रुपया था, लेकिन कुछ खास अफसरों की वजह से हमारा किराया 10 रुपया बढ़ चुका है। चलिए, बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, लेकिन सुविधा तो होगा ना हम लोगों को। चलिए, तो विष्णुपद से पहले भी कोई रास्ता है, कुछ जगह का नाम है, जो कि ऑटो वाला के बोले तो बता दे आराम से। चांद चौरा मोड़ है वो। अच्छा, चांद चौरा, चांद चौरा है चौक। ओके, तो अगर आप टॉपिस वहीं पे है बगल में। अच्छा, तो ये भी बताइए कि हम लोग को जैसे कि मान लीजिए कि रबर डैम किन्हीं को देखना है, किन्हीं को ये विष्णुपद में जो ये हो रहा है सब कुछ है वो सब देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले स्टेशन से चांद चौराहा जाना होगा। जी, चांद चौराहा से आपको पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ नो एंट्री है। अच्छा अच्छा, तो और वहाँ पे वन वे है ना। हाँ, तो वहाँ पे ट्रैफिक वाले जो पुलिस वाले हैं ना, एसपी का ऑर्डर है वहाँ का, गया गवर्नमेंट का यहाँ का मतलब जो है। ओके ओके, उनका ऑर्डर है कि अंदर नहीं जाने का, अलाउ नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, आपको हम रबर डैम में घुमाते हैं, कैसा है रबर डैम, तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैं अभी स्टेशन से चांद चौराहा मोड़ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पितृपक्ष मेला के लिए विशेष आयोजन किया गया था। यहाँ पे